रूस में यूक्रेनी हिमाकत की दुनिया भर में चर्चा, यूक्रेन का घुसकर अटैक करना रशिया को उकसाने जैसा, एक्सपर्ट्स का कहना। यूक्रेन के डेडली अटैक पड़ सकते हैं भारी। एक्सपर्ट्स का कहना है यूक्रेनी अटैक को आधार बनाकर पुतिन ले सकते हैं बड़ा एक्शन। पुतिन को बहाना चाहिए, आप जानते हैं, कट स्ट्रेट पर हमला हो, मॉस्कोवा पर हमला हो, मकरोव पर हमला हो, बेलगोरोद पर हमला हो, हर बार रिटेलिएट किया गया है और भयंकर रिटेलिएशन हुआ है। लेकिन इस बार मेनलैंड में 600-700 किलोमीटर अंदर जाकर हमला क्या किया जाएगा इस बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जरा अगली अहम खबर भी आपके सामने रखता हूं रूस के रवैये पर। यूक्रेनी आक्रामकता में इजाफा, 3 महीने में रूस की सीमा में 10 से ज्यादा यूक्रेनी हमले। यूक्रेनी का आक्रामकता से पुतिन की टेंशन बढ़ी, पूरी दुनिया में रूस की साख बिगड़ने की टेंशन। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और अगली अहम खबर देखिए, ये जरा देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये यूक्रेन की तरफ से, ये आक्रमण, ये आक्रामकता और कुर्स के बाद रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी फौज ने ताबड़तोड़ 14 रॉकेट से किया अटैक। आज ही स्लोवियांस्क पहुंचे थे राष्ट्रपति जेलेंस्की, आर्म्ड फोर्स डे पर सैनिकों का बढ़ाया था हौसला। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स डे के मौके पर, यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हमारे आर्म्ड फोर्स डे के मौके पर आगे और हमले हो सकते हैं, और सारी मिसाइलें गिर सकती हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। आशीष ने कुछ देर पहले मुझ तक जो जानकारी पहुंचाई, एयर रेड सायरन अब भी वहां बज रहे हैं, और ऐसे में आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर वहां और हमले एक्सपेक्टेड हैं। हमले इसलिए भी एक्सपेक्टेड हैं क्योंकि वो हमला यूक्रेन की तरफ से रशिया में बोला गया है जो अभी तक नहीं किया गया था। उधर रशिया की तरफ से अब ऐसा क्या किया जाएगा वो रशिया जानता है, क्या उसको प्रीएम्प्ट करने में यूक्रेन कामयाब रहा है। अब जरा यह समझने की कोशिश करते हैं, विंग कमांडर आलोक सहाय सर, आपसे एक सवाल लेने के बाद मैं एक इलैबोरेशन की तरफ जाऊंगा। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये जो आक्रमण है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये नीति अपना ली गई है क्या? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि जाड़े में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। रूस की सेना काफी ज्यादा अंदर घुस चुकी है, वो विदेशी क्षेत्र में है और सप्लाई लाइन उनकी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। ऐसे में जाड़े में यूक्रेन के लिए ज्यादा आसान होगा उनको चोट पहुंचाना और उनकी सप्लाई लाइन को काटना। और ये जो उकसाने की बात आपने कही, ये यूक्रेन अगर वहां पर जाके 730 किलोमीटर अंदर उसका एक ड्रोन जाके अटैक कर दिया तो सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरे दिमाग में ये आता है कि क्या रशियन एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाया, क्यों नहीं पकड़ पाया? क्या यूक्रेन ने कुछ ऐसे काउंटर मिलियन डॉलर मेजर्स, क्या उसने एंटी काउंटर मेजर्स, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी हथियार किया है कि वो एयर डिफेंस के पकड़ में नहीं आया? मिलियन डॉलर बात सर, ये आप जो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। आप ये जो कह रहे हैं इसको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देता हूं सर मैं। ब्लैक सी फ्लीट पर हमला हो जाता है, यहां अंदर जाकर इतना हमला हो जाता है, कच स्ट्रेट पर हमला हो जाता है, क्या एयर डिफेंस के मामले में, डिफेंस के मामले में उतना पुख्ता किलाबंदी क्या नहीं की गई है रशिया की तरफ से? इस पे एक क्विक कमेंट लेता हूं मनीष का, आपके पास वापस लौटता हूं। मनीष, डिफेंस के मामले में रशिया की पोल खोल रही है क्या? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।